मम्मी बताएगी हमको पवन पवन पहाड़ी का घर। अम्मा भी यही को देख रही, गिलास लगा के लग साहब को तो हम बहुत दीवाने हुए। लोहागढ़ में इसको बिरिया बंदर बोलते थे, एक एक्कू या बिरिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक्चुअली मैं सेम डे रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन इस ब्लॉग को मैं नेक्स्ट उसमें डालूंगी। और आज ही हम लोगों ने जो है यहाँ के सारे मंदिरों में पूजा कर ली है, तो अब हम लोग जा रहे हैं कोटगाड़ी देवी के मंदिर जो कि पाखों में पड़ता है। तो अभी हम लोग निकल रहे क्योंकि हमारे पास टाइम है, वरना आज हमें वैसे अजंडी बुबू जाना था लेकिन वो हो नहीं पाया, हम वो कल करेंगे। तो आज हम जो है कोटगाड़ी देवी मंदिर जो है पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो बाकी अपडेट मैं आपको रास्ते में दूंगी, क्योंकि गाड़ी में जब हम होंगे तो मुझे लग नहीं रहा मैं शूट कर पाऊँगी। तो बाकी पहुँच के बताते हैं, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ और देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है। हो ये सब लोग तो चले गए, मैं भी जाती जल्दी जल्दी। पहिया का पेड़ कहाँ गया, पहिया का पेड़। हाँ लक्ष्मण की शादी में इतने मस्त फूल हो गए थे उसमें। हम चले पाखों की ओर, मेरी सुरीली आवाज में गाना मोड मोड ने कितने मस्त दो फूल लगाए हैं। उधर ना इधर नहीं लगाया, उधर लगाया ना दूसरे साइड। पानी का याद ही नहीं रहता, क्या करूं। हाँ स्कूल के लिए पत्थर वत्थर तोड़ रखे हैं। ओके पहुंच गए हैं रोड में, गाड़ी तो उबल रही होगी। पहले तो इससे बोलना खिड़कियां खोल दे अपनी गाड़ी की। नमूना खाया हमारा, वेयर इज अवर नमूना, निकाली नहीं क्या हुआ, आगे कोई जाना है। हम सोचा खिड़कियां खोलियां करके सोचा पापा ने कहां से तोड़ा है गुलदस्ता। अब आओ बीच में कौन बैठेगा, लायो अभी नहीं पीऊंगी रास्ते में शायद। चलो कोटगाड़ी देवी की जय। अरे देखो कितने मस्त हजारी हो रहे हैं। वाह 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 वाह, मम्मी की आवाज दबाने के लिए बैकग्राउंड में मुझे हल्ला करना पड़ रहा है। वाह 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 वाह, देखो होए होए गेंदे के फूल। मेले का देख भी नहीं रहा, खाली आवाज आ रही बस। श्यामपुर का मेला, हाँ दिख गया दिख गया, ये श्यामपुर का मंदिर। डर ही लगा है मेला। फोन बनी थे भाई साहब, ये रास्ता होगा पूरा। पहाड़ी बागली की तलाश में जा रहे ना। मम्मी बताई, मम्मी ने तो ब्लॉग चार्टेड रहे उनके बिल्कुल। मम्मी बताएगी हमको पवन पवन पहाड़ी का घर किधर है। मम्मी के दांत दिखते हुए एक्साइटमेंट में।
वहाँ पे भी रुकेंगे। ये गेट तो नहीं, ये तो मंदिर का होगा ना। ये देखो क्या है, वैसा है पूरा बन गया है। क्या ऐसी तो था, पागल है क्या? कहाँ था ऐसा? इसमें यहाँ पर ये पत्थर को याद करें, ऐसी फोटो में तो ये ऐसी थे ना भाई। ये सीमेंट से भर गया पूरा। अब ये यहाँ पे इनकी फोटो थी बचपन की मामा लोगों के साथ। तुम लोग भी थे उसमें? ना। अच्छा, सचिन मौसी और मामा लोग आए थे तो इन्होंने, नाना जी अभिमन्यु मौसी मौसा जी और सचिन इलामोची भी थी। ले जा रहे हैं पीठ में। मेरे ननिहाल में भी ऐसे ले जाते हैं। लेगी विनोद की दुकान। लो यहाँ से रिकॉर्डिंग करो। अभी पहाड़ी भाग ली, वो चला गया। ऐसे धोखा दिया इन्होंने। पवन पहाड़ी का भाग ली चले गई है। ये भाग ली है, देख ले। वो मकान है। खिड़की तो खोलो फिर भाई। आते समय इसी रास्ते आएंगे, रात हो जाएगी तब। ले यहाँ से उतर के कर ही लेते। ये साइड लगवाते है ना। ये बात मम्मी ने याद करके ब्लॉग में से दिख गई भाई, दिख गई। वहाँ सुनना जाना है। वो मकान है, वो ऊपर ऑरेंज वाला। हाँ। वो पहाड़ी बाखली है। तो ये रहा पवन पहाड़ी की पहाड़ी बाखली। अम्मा तो नहीं बैठी गई। घर कौन सा है? वो पिंक वाला ऊपर। हाँ। वो रहा उनका घर पवन पहाड़ी का। तो मम्मी ने याद कर रखा है पूरा। अभी तो हम लोग सीधे सीधे जा रहे हैं। विनोद की दुकान चलेगी जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई थी। देखो एक्साइटमेंट यहाँ से कैसे लटके हैं। जाते हो एक दिन स्टे यहीं करो। हाँ, हाँ। मम्मी को छोड़ जाएंगे यहाँ है। बस मम्मी आ जाओ, वापस जा रहे हैं हम लोग। सफेद टंकी बसंती यहाँ से तो साफ दिख रहा था। ये वो बैठी है मामा बैठी है। वो चाय पी रही अम्मा। जाओ जाओ। अरे यार मम्मी। हाँ। मम्मी को दिख गई है अम्मा। कहाँ से दिख रही है आपको अम्मा? कहाँ पे बैठी है? हाँ हाँ दिख गई। अम्मा ही है वो। वो रही अम्मा। वो अम्मा भी यही को देख रही, गिलास लगा के लग रहा है। अम्मा को सुनाई नहीं देगा। अम्मा देख लिया उन्होंने, उनके बदले कोई और भी आ गया है पता नहीं। अम्मा हाई कर रही अम्मा। अरे यार अम्मा कह रही होगी पागल कौन है ये। चलो स्काई ब्लू वाला ये। अच्छा वहाँ ढूंढ रही हूँ मैं। बाकू वाले बड़े अमीर हो रहे हैं। अरे यहाँ भी घूमने आते थे है। कितना ढोईते थे तुम लोग? पापा ने आदत डलवाई थी। अब पापा ही कहते मत जाओ कहीं, मत जाओ है पापा। क्या? अरे वो देगी अब मैं मम्मी का जैसा अंदाजा नहीं है मेरा, इस बार नहीं होगा वो। तो वहाँ पहुँचा दिया था मम्मी ने कोट गाड़ी पार करके। गई हूँ करने में लगी थी मैं। गली गली बाहर जाते थे ऊपर। ये है मंदिर। जय हो। ठीक है।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं आगे से रास्ता, अभी थोड़ा वो सब ले रहे हैं हम, थोड़ा सामान पानी पिला दिया, पूजा सामग्री पानी था अभी पीछे को दिया था ठंडा पानी, मोमो देखो मोमो भाभी फ्रिज में, मोमो फ्रिज में क्या रखते हैं, उसमें एक छोटा एक बड़ा, कितनी जल्दी जल्दी गाय बजा रहे हैं लोग, तो बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर, पूरी घंटियां लगाई हैं। यह तो माता कोकिला माता का मंदिर है, ये है क्या पापा के, वो पापा के शिष्य, पापा के शिष्य हैं ये, मिठाई फल। तो जो मेन मंदिर है वहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम पाठ पाढ़ेंगे यहाँ बाहर। तो काफी अच्छे से दर्शन हुए क्योंकि जो अंदर पूजा कर रहे थे वो पापा के ही स्टूडेंट थे। क्या नाम था पापा उनका, क्या नाम है? बबलू। बबलू हाँ, जो पंडित जी हैं। तो ये पूरा एरिया है, तो गौरव लोग बता रहे थे जब ये लोग पहले आते थे तो वहाँ ऊपर गेट है वहाँ से आते थे, और अभी हम लोग नीचे के रास्ते आए। तो अंदर लेना फोटोग्राफी वगैरह मना थी तो मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आता है पूजा के बीच में ये सब, और वैसे भी मना था। अब पाठ की तैयारी हो रही है, अब तक यहाँ से देखते हैं क्या है। गौरव जी क्या देख रहे हैं यहाँ से, हम भी देखेंगे, मैं भी वही देखने जा रही हूँ क्या दिख रहा है। पेड़ भी काट रखा है इतना बड़ा है। अच्छा नीचे मेन रोड और मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री ली थी ना वो है, और ये पूरा रास्ता अच्छा है काफी। लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी घंटियां रखी हुई हैं, मतलब चढ़ाई गई हैं ये लटका ही नहीं है अभी यहाँ पे, बहुत बड़ी हैं ये, कितनी भारी होंगी।
जाओ पापा आप भी जाओ आगे। क्या अलग लग रही है कढ़ाई कर रखी इसमें। चलो आओ पापा। तो फाइनली हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर को वापस। पहले हम मिलेंगे आंटी से, मतलब डॉली की मम्मी, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। हेलो चले, ऐसे कौन ले जाता है यार पूजा करने के बाद, तुम इससे ले जाओ। ये भी पापा के स्टूडेंट हैं क्या? हैं पापा? पापा के पढ़ाई में बच्चे मिल रहे हैं पापा को। कौन सा? अरे उसके लिए बना रखा है वो। ये मस्त एसी वाला बॉक्स जैसा नहीं लग रहा है, वहां से देखा है। तो नहीं गज बजाते हम, तो अपना अपना पकड़ते हैं। अब हो गई है पूजा ज्यादा, वो मत चिड़ो मत, चुपचाप अच्छे से चलो। गज बजा देते हो बल, आओ। अच्छा पापा एक और शिष्य आ गए आपके, पहचाना? मैं तो नहीं, वैसे तो नहीं पहचानूंगा। नहीं पापा से कह रही हूँ ना, मालिक गुरुजी एक ही है। हाँ। मेरे को याद करो, याद है नहीं आ रहा मेरे को अभी, बता दो नाम। आपको बहुत वो याद है, वो कम है, कम याद रहती है। एक बार स्टेट बैंक में मिला था मैं, हाँ मिले होंगे। आप थोड़ा ना ऑपरेशन हो गया, याद कम रहती है। अच्छा गोपाल कृष्ण पाठक। हाँ हाँ हाँ, नाम तो पाठक, नाम नाम तो सुना है। ठीक ठीक यही पढ़ाया होगा पापा आपके पास। पढ़ाया होगा यार, नाम तो बहुत ट्यूशन पढ़ा हूं मैं। हां भाई यही था, पापा के सबको ही मारा है, हमको भी मारा ही है। मारते थे बल, मम्मी भी मारी। अच्छा ठीक ठीक, वो घर हुआ सामने। अच्छा ठीक ठीक, आई नहीं यार, जानते होंगे आप केवल मारी से पहचानते हो। तू है ना, मारेगा ही मारेगा, जी का तो काम मारना ही हुआ। और ठीक ठाक है, ठीक ठीक दुकान है यार। एक बार बहुत टाइम पहले मैं वहाँ मिला था। हाँ हाँ, भगवती माता ठीक करेगी, बहुत बढ़िया है। हाँ। अभी मैंने एकाएक देखा, मैंने वहाँ तो आज पंडित जी भी शिष्य थे, बबलू। बबलू हाँ हाँ, वो भी पीछे का बार बबलू और रेनू, रेनू और मैं एक साथ पढ़े हुए। अच्छा। मैं ट्यूशन नहीं आता था, मम्मी भी जानती होगी फिर तो, ट्यूशन जाते होगे तो। तो ये पहली वाली दुकान भी ना आपकी, अगली बार आते हैं मिलते हैं आपसे। ये मां साहब नंबर भी कम ही उठा दिया। 9410 मां साहब को तो हम बहुत दीवाने हैं। तीन तो मिल गए पापा को। पापा यहाँ कहीं कोई घर था क्या? परी घर दो, तीन तो मिल गए पापा को। हम इसी बखाई से जाते थे। हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे लगा रोड ऊपर से जा रही है करके। तो भबरिया है मुझे तो यहाँ पे हमने चढ़ानी खिचड़ी, मस्त बंदर बैठा था चला गया यहाँ से, तो अब जाएंगे अंदर। वो देखो हमारे लोहागढ़ में इसको बिरिया बंदर बोलते थे, एकू या बिरिया, यहाँ पे बंदर ही कहते हैं। आओ पापा, पापा आप भी तो आओ। ये जो दिख रहा है पुल सा छोटा सा ना, ये पैदल रास्ता, और ये पूरा रास्ता जहाँ से गौरव लोग क्रॉस करते थे, फिर कहाँ जाते थे? फिर वहीं आगे जाके फिर ऊपर चढ़ते थे। अच्छा, फिर वहाँ से मंदिर जाते थे। हाँ अब इन्होंने पूरी रोड रोड और वो पुल बना दिया, तो इनको अंदाजा नहीं आ रहा था। ये है ये है। हाँ हाँ बता दिया, इधर से घूम के ऊपर को जाते हैं, इनके घर में जाते हैं, घर से आगे से जाते हैं। हाँ नीचे सीढ़ी है ना, वो बंदर महाराज भी तो थे कहीं। नहीं यार, ये वो पीछे बैठा है बंदर, सब सुन रहा है। बंदर मारे झपट्टा वाले, अभी देख रहा हूँ वहीं पे बैठा हूँ।